गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाए कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। अब हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा, और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है, और रजौरी जैसे वाक़यात, कोकरनाग जैसे वाक़यात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक़ में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें वो कदम दिखते नहीं हैं। सर, पीडीपी नाराज़ है आपसे, आपने कहा था कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है उसमें कहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, वो कहते हैं कि एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, अगर कल अनाउंस करना है तो हमें सबको नीचे बैठ के, लेकिन आपने क्या मैं अपनी राय नहीं रख सकता हूँ? मैंने अपनी राय रखी ना, मेरा हक है, मैं अपने पार्टी के तरफ से वहाँ राय रख सकता हूँ। मैंने अपनी राय किसी पर ठोसी नहीं, मैंने वहाँ से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग पे आप लोग बात कर रहे हो एक फॉर्मूला होना चाहिए, मेरी तजवीज़ ये है। अब उस तजवीज़ को कबूल करें ना करें वो अलायंस तक है। मैंने अपनी राय रखी ना, मैं अपने राय से पीछे नहीं हट रहा हूँ, और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पे अलायंस करना है जहाँ बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई सीट मिलनी है। मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहाँ क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। बातचीत से बात होती है, आपने कहा बातचीत से बात होती है, तो सपोर्ट द ट्रूडो द वे ही हैज ट्राइड टू लेट इट द इशू ऑफ हरदीप सिंह नीचे देयर इज ब्लेमिंग गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट अटैक इन ही सेज दैट ही हैज एविडेंस, लेट हिम प्रेजेंट दैट एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggests this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. Mr. Abdullah, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए, माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है, उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुप्कार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया लाइन? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? सर, मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करिए। सर, मैंने रीजनल पार्टीज, जम्मू रीजनल पार्टीज डिमांडिंग जम्मू एज एन इंडिविजुअल स्टेट, और उनका कई बार ये चीज़ रहता है कि कश्मीर को जो है वो अथॉरिटीज दी जाती हैं, कई बार कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कश्मीर की तरफ से जो है उनको डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। आपको क्या लगता है अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग की जा रही है, जो जम्मू की रीजनल पार्टीज मांग रही है, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा, जम्मू को क्या नुकसान? मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं हूं। जो जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का वो हो गया है,
हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो। मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है। I've already answered it. There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it. उसके बाद अगर आप देखें तो स्टालिन जी ने एक बयान दिया इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित ओबीसी हैं सर, कश्मीरी पंडित को डर लगता है कश्मीर घाटी में जाने से। पिछले दिनों जैसे आपने अपने स्पीच में भी कहा कि अब आखिरकार जो रूट्स है कश्मीरी पंडित के कश्मीर घाटी से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कश्मीर कौन उससे ऐतराज कर सकता है ना? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उनको वापस आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आप उनको घसीट के वापस ले नहीं सकते हो। वो इसलिए वहाँ से चले गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को असुरक्षित समझा। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप उनको वापस नहीं लौटाते हो, वो वापस नहीं जाएंगे। उनको यहाँ से एक कैंप से लेके वहाँ दूसरे कैंप में बसाना वो कोई मायने नहीं रखती। वहाँ हालात इस हद तक ठीक करने होंगे कि ये अपनी मर्जी से चले जाएँ और वहाँ खुल्लम खुल्ला बसें। हम तो वही देखना चाहते हैं। लेकिन सांसद साहब कोशिश कर रहे जाने को ओबीसी हैज सेड दैट लीडर ऑफ थर्ड अलायंस एंड मोस्ट पार्टीज आर नॉट फॉर दे नीड टू कम टुगेदर सो दैट अ थर्ड अलायंस कैन बी। हाउ डू यू सी थर्ड फ्रंट? आई विल नॉट स्पीक फॉर एनी थर्ड फ्रंट। I am part of the India alliance. My agenda is as far as that. I'm not going to get into any third alliance or fourth alliance. That way there is no end to the number of alliances. Mr. Oweisi can have his own single party alliance also. Well, that's not the point.